बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक दराज पर उन प्रोडक्ट्स के बारे में है जिन्हें आप इनलिस्ट नहीं कर सकते। दराज रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास रिक्रिएशनल और एडल्ट प्रोडक्ट्स की है, जिसमें गैम्बलिंग इक्विपमेंट्स, काइट स्ट्रिंग्स, पतंगे जिन्हें हम कहते हैं नॉर्मली, ये आप सर्च सेल नहीं कर सकते दराज पे। इसके अलावा 18 प्लस प्रोडक्ट्स, सीडीज, डीवीडीज या ऐसा कुछ भी आप दराज पे सेल नहीं कर सकते। इलीगल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शनल आइटम्स और सर्विसेज लाइक बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट्स, गिव अवेज, लॉटरीज, ये भी आप दराज पर सेल नहीं कर सकते। नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं, डिजिटल करेंसी भी लाइक बिटकॉइंस एट्सेट्रा, ये भी आप दराज पे सेल नहीं कर सकते। स्मोकिंग एसेसरीज में टोबैको, हुक्का, शीशा सिगरेट्स, ये भी रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज है। रिक्रिएशनल एडल्ट प्रोडक्ट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं हमारे पास फर्नीचर कैटेगरी में रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर है। झूलाज आप सेल नहीं कर सकते, ये रिस्की प्रोडक्ट्स हैं। एग स्विंग्स, बहुत इनकी ऑथेंटिकेशन लेटर्स होते हैं, ये बहुत ही कोई रिस्ट्रिक्टेड सेलर्स हैं, जो लिमिटेड सेलर्स हैं जो दराज पे ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इसके अलावा आप सेल नहीं कर सकते। सेल्फ डिफेंस वेपन्स, गन्स या इस तरह की तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो नाइव्स, किचन नाइव्स के अलावा बाकी तमाम डेंजरस जो नाइव्स हैं ये दराज पर रिस्ट्रिक्टेड हैं, आपको अलाउड नहीं है इन प्रोडक्ट्स को दराज पर सेल करने का। नेक्स्ट अपेरल्स एंड एसेसरीज कैटेगरीज में आप मिलिट्री डेकोरेशंस, मॉडल्स एंड मिलिट्री अवार्ड्स, इन्हें इनलिस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा स्टोलन गुड्स, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है। यूज्ड प्रोडक्ट, वो भी आप इनलिस्ट नहीं कर सकते। यूज्ड गुड्स ओनली अप्रूव फॉर प्री सिलेक्टेड सेलर्स फॉर द मोबाइल एंड लैपटॉप कैटेगरीज, वो सेलर जिन्होंने अपने आप को ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज जो है वो उनमें वो कैटेगरीज लाइक लैपटॉप्स एंड मोबाइल एसेसरीज की कैटेगरी जिसमें सेलर्स ने अपने आप को लिस्ट किया होता है, ऑलरेडी सेल कर रहे होते हैं, वो ये यूज्ड प्रोडक्ट भी आफ्टर वेरिफिकेशन, आफ्टर ऑथेंटिकेशन सेल कर सकते हैं। न्यू सेलर जो है, एज अ न्यू सेलर आप बिल्कुल ये प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जैमर्स, डिस्क्रैम्बलर्स, बैंक कार्ड, स्किमर्स, नॉन पीटी अप्रूव्ड फोन्स, जीएसएम वॉचेस, स्पाई इक्विपमेंट्स, ड्रोन्स एंड एसेसरीज, ये सारी रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज हैं, तो इनको आपको पहले जो है इनकी ऑथेंटिकेशन लेटर्स वगैरह देने पड़ते हैं या जो भी डिटेल्स हैं आप दराज सेलर सेंटर से ले सकते हैं। उसके बाद इनमें से किसी कैटेगरी में आप प्रोडक्ट इनलिस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नॉर्मली अलाउड नहीं है। ईटेबल्स एंड ड्रिंक्स, इसमें आप नीदर आप वेजिटेबल घी, कुकिंग ऑयल, फ्रूट वेजिटेबल्स, चीज़, कुछ भी आप इनलिस्ट नहीं कर सकते। ये सब रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज हैं। दराज पर आपको ये जो प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती हैं ये स्पेसिफिक सेलर्स हैं, स्पेशल सेलर्स हैं जिन्होंने जिन्होंने परमिशन ली होती है और उसके बाद ये सेल करते हैं। इसके अलावा अल्कोहलिक बेवरेजेस, सप्लीमेंट्स, कुछ आप दराज पर सेल नहीं कर सकते। मीट, पोल्ट्री एंड फ्रोजन फूड्स आपको अलाउड नहीं है। मेडिसिन, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, मास्क, सैनिटाइजर्स, सब जो है ये रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज हैं। ऑथराइजेशन लेटर आपको पहले बनाना होगा, उसके बाद आप इनमें से किसी कैटेगरी को सेल कर सकेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं, रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी, दिस इज टॉक्सिक, हैज़र्डियस एंड बायोलॉजिकल एक्सप्लोसिव मटेरियल, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, आप केमिकल्स
नहीं सेल कर सकते, आप ह्यूमन ब्लड सेल नहीं कर सकते, आप एडवाइजरी सर्विसेज नहीं दे सकते, फायरवर्क्स एंड अदर सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स कुछ भी आप विदाउट ऑथराइजेशन लेटर ट्रांसफर सेल नहीं कर सकते। ये प्रोडक्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री प्रोडक्ट्स, ये वो बेस कुछ भी आप ट्रांसफर सेल नहीं कर सकते। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई दराज से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके लिए वीडियो बना के अपलोड करूँगी। वीडियो को देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।